Hello everyone, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. Hello दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कोई भी फाइल कैसे रिकवर कर सकते हैं। कई बार गलती से हमारे कई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाते हैं, फ़ोटो, सॉन्ग, पीडीएफ फाइल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कुछ भी डिलीट हो जाते तो हम उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि वो फाइल्स हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे रिकवर कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल में एक रिसाइकल बिन क्रिएट करेंगे, जिससे अगर हमारी कोई भी फाइल गलती से डिलीट हो जा रही है तो वो वहाँ पर सेफ रहे। उसके लिए हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए ऐप्स का नेम डंपस्टर। ये यहाँ पर आ चुके हैं, ये यहाँ पे फाइल ओपन हो गए। अब इस फाइल पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं डंपस्टर रिकवर माय डिलीटेड पिक्चर्स एंड वीडियो फाइल्स। इनकी रेटिंग भी अच्छी है और 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें अपने डिवाइस में। ये यहाँ डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। देखिए हमारी डाउनलोडिंग कम्प्लीट होने वाली है। डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो गई, अब इंस्टॉलिंग हो रही है। इंस्टॉलिंग हो जाएगा तो हमारे ये ऐप्स यहीं से हम ओपन करेंगे। देखिए हो गया, अनइंस्टॉल या ओपन करिए। ओपन हमको करना है, ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। योर प्राइवेसी इज आवर प्रायोरिटी, देख लीजिए इनकी टर्म्स है, इसको आप रीड कर लीजिएगा एंड देन क्लिक आई एग्री। ये इनकी एप्स ओपन हो गई, यहाँ पे स्किप दिया है, इसको स्किप कर। ये इनकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें हम लोग अगर क्या रिस्टोर करना है, बहुत सारी हैं। अगर ऑल करना है तो ऑल पे हैं, इमेजेस है, ऑडियोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल्स, फोल्डर, ऐप। देखिए अगर इमेजेस पे करते हैं तो सिर्फ इमेजेस होंगे, देन अगर ऑडियो करते हैं तो सिर्फ ऑडियो होगा। तो हम लोग इसको ऑल पे कर देते हैं। लेफ्ट साइड में मेनू है, प्रो वर्जन भी है तो इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। एंड एम्प्टी डेस्टर एंड सेटिंग भी है। सेटिंग में देखिए आपको दिए हुए बहुत सारे फंक्शन, रिसाइकल बिन सेटिंग, क्लाउड सेटिंग, ऑटो क्लीन, लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन लैंग्वेज। आप इसको ऑटो क्लीन पे भी कर सकते हैं क्लिक, इसको 1 वीक में या 1 मंथ या 3 मंथ, तो आप अपने डिमांड के हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं या इसको ऑफ भी रख सकते हैं। लॉक स्क्रीन भी है फंक्शन, नोटिफिकेशन भी है एंड लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सेलेक्ट। इसमें कई सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो अब हम लोग बैक चलते हैं, क्लोज करते हैं प्ले स्टोर को। अब हम अपने फाइल मैनेजर पर आ गए। तो यहाँ से हम कुछ फाइलें डिलीट करके आपको दिखाते हैं कि इसको रिकवर कैसे करते हैं। पिक्चर्स में आते हैं, कुछ पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ पिक्चर सेलेक्ट हो गए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गए। और म्यूजिक में भी कुछ म्यूजिक डिलीट कर देते हैं, एक दो, ये म्यूजिक भी डिलीट हो गए। तो अब बैक चलते हैं, कुछ म्यूजिक भी डिलीट हो गए और अब कुछ डॉक्यूमेंट भी डिलीट कर देते हैं। एक ये देखिए डिलीट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। कुछ ऐप्स भी हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ऐप्स भी डिलीट हो गए। और यहाँ से हम कुछ वीडियोज़ भी डिलीट कर देते हैं, दो वीडियो भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गए। हम वापस डंपस्टर ऐप्स में चलते हैं क्योंकि हमने जो फाइल डिलीट की है उसको रिकवर करना है। तो आइए उस ऐप्स में चलते हैं। ये देखिए हम अपने डंपस्टर ऐप्स में आ गए हैं। तो यहाँ देखिए सारी फाइलें हैं, जो वीडियो किया है, ये इमेजेस, ये एप्लीकेशन नेटगार्ड एंड इसमें फोटोज हैं और भी बहुत चीजें हैं। देखिए म्यूजिक भी जो मैंने डिलीट किया वो म्यूजिक भी है, सब कुछ इसमें पहले से है। और डाउनलोड्स में ये मैंने दो एप्लीकेशन भी किया है, तो इसको मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ रिस्टोर। इसको यहाँ से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, देखिए इंस्टॉल के लिए दे रहे हैं। यहाँ से मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँ, जो जो फाइल्स आपको चाहिए वो सारे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने इतने फाइल मुझे रिकवर करने हैं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको यहाँ से मैं रिकवर कर देता हूँ। ये सारे मेरे फाइल वापस से रिकवर हो गए हैं। तो आइए फिर से फाइल मैनेजर में चलते हैं और देखते हैं मेरे फाइल वापस आए या नहीं। तो मैं फाइल मैनेजर में फिर से वापस आ गया। देखिए यहाँ पे इमेजेस में देखिए एंड्रॉयड ऐप्स मैंने डिलीट किए हुए थे, ये सारे वापस आ गए। स्क्रीन शॉट्स भी आ गए, वीडियो में भी देखिए मैंने वीडियो जो डिलीट किया था आ गए, और म्यूजिक में देखिए म्यूजिक भी दोनों वापस आ गए। और मैंने एप्लीकेशन भी दो डिलीट किया था वो भी वापस आ गए। मैंने एक पीडीएफ भी किया था सीबीएसई नाम से था, ये देखिए वो पीडीएफ भी वापस आ गए। तो इस ऐप्स के जरिए हम अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल जो हम लोग से गलती से डिलीट हो गए उसको हम लोग वापस रिकवर कर सकते हैं। हम यहाँ से भी अगर कोई ऐप्स अनइंस्टॉल कर रहे हैं, ये ऐप्स अनइंस्टॉल कर रहे हैं, देखिए अनइंस्टॉल हो गई। तो डंपस्टर में जाके ये देखिए ऐप्स आ गए मेरी जो मैंने अनइंस्टॉल अभी किया, कार इन्फो, तो इसको मैं रीइंस्टॉल कर सकता हूँ। फिर से मैंने वापस इसको इंस्टॉल कर लिया क्योंकि मुझसे गलती से डिलीट हो गया था। हम लोग से कोई भी फाइल अगर डिलीट हो रही गलती से तो ये हमारी रिसाइकल बिन मतलब डंपस्टर में जाके रिस्टोर हो जाएगी। तो इस ऐप से हम अपने कोई भी डिलीटेड फाइल को रिकवर इजीली कर सकते। आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, इससे उन लोग की भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगे जो डिलीट हो जाते होंगे, उन लोग इस ऐप्स के जरिए अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। और हमारे आगे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।